राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान जल्द होने वाला है। जी हां, इसके लिए बीजेपी ने तैयारी बजट के साथ ही शुरू कर दी थी। वहीं केवसर सीट पर बीजेपी की निगाह टिकी हुई है। ऐसे में नागौर में बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है, क्योंकि यह हनुमान बेनीवाल का गढ़ माना जाता है। इस वजह से केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी यहाँ एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी उपचुनाव की तैयारियों के बीच नागौर पहुंचे और इस दौरान पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए। इसके साथ ही सीपी जोशी ने बैठक में नेताओं को भरोसा दिलाया कि उपचुनाव में अच्छे परिणाम आएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान की 5 सीटें खाली हुई हैं और इनमें दौसा, देवली, उनियारा, खेमसर, झुंझुनू और 84 विधानसभा सीटें शामिल हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में इन 5 सीटों में से 3 पर कांग्रेस 1 पर और आरएलपी 1 पर और बीएसपी ने जीत हासिल की थी। ऐसे में भाजपा ने इन सीटों पर जीत का टारगेट लेकर अब जो है बीजेपी चल रही है। इसको लेकर स्थानीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के नेता तैयारियों में जुट चुके हैं। 2 दिन पहले भाजपा कार्य समिति की बैठक में राजस्थान भाजपा के दिग्गज नेता समेत केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए थे और इस बीच सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने उपचुनाव वाली सभी 5 सीटों के प्रभारियों को स्थानीय स्तर पर बैठक लेने और प्रत्याशियों के नामों पर रायशुमारी करने के निर्देश जारी कर दिए, ताकि समय पर जिताऊ उम्मीदवार का चयन हो सके। और इसके साथ ही नागौर आए सीपी जोशी ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर खेमसर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि विधानसभा चुनावों के दौरान भी तमाम दावों और अटकलों के बाद भी प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनी। इससे स्पष्ट है कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भाजपा के साथ है और उपचुनाव में भी अच्छे परिणाम आएंगे। और आपको ये बता दें कि राजस्थान की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव ऐसे समय होने वाले हैं जब लोकसभा चुनावों में राज्य की 11 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भाजपा का पूरा ध्यान अब जो है उपचुनाव में इन 5 सीटों पर जीत हासिल करने का होगा। तो फिलहाल देखेंगे भाजपा जिस तरीके से लगातार उपचुनावों को लेकर तैयारी कर रही है, जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही हैं, बीजेपी के नेता जिस तरीके से ये तैयारी कर रहे हैं, इसका क्या कुछ परिणाम उपचुनावों में देखने को मिलेगा, ये तो केवल वक्त ही तय कर पाएगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ पंजाब केसरी में। नमस्कार।